जन ऑनको डॉट आईओ से ऑनको न्यूट्रिशनिस्ट त्रिवेणी। आज हम जानेंगे लंग कैंसर एंड डाइट के बारे में। तो बेसिकली लंग कैंसर ट्रेडिशनली टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है स्मॉल वर्सेस नॉन स्मॉल सेल टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एडिनो कार्सिनोमा जो है वो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के कैटेगरी में जो आता है। ये एडिनो कार्सिनोमा जो है वो बहुत सारे कैंसर टाइप्स के लिए एक बेसिक कॉज होता है। ये एडिनो कार्सिनोमा कैंसर अपने ग्लैंड्स के थ्रू, जो हमारे लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स में जो ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से डेवलप होता है ये एडिनो कार्सिनोमा का कैंसर। तो अगर ये कैंसर कहीं किसी भाग में भी वो डेवलप हो जाता है तो वो दूसरे मतलब वो कैंसर्स बहुत सारे कैंसर्स के लिए कॉज हो सकता है, जैसे कि लंग कैंसर, दूसरा जो है प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक कोलोरेक्टल कैंसर और दूसरे कैंसर्स के लिए भी ये बहुत पैंक्रियाटिक कैंसर्स, ये सारे चीज़ जो है ये एडिनो कार्सिनोमा की वजह से ही आ सकता है। दूसरा जो है ये ब्रेस्ट कैंसर भी एडिनो कार्सिनोमा का टाइप में ही एक है। तो अभी हम जानेंगे उसका सिम्टम्स के बारे में। जब भी पेशेंट लंग कैंसर के डिटेक्ट होता है तो उनके लिए बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होता है कि उनको वीजिंग होता है और उसके साथ साथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है, चेस्ट पेन हो सकता है और उनको लॉस ऑफ अपेटाइट भी हो सकता है और लॉस ऑफ वेट भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर में। तो दूसरा जो है लंग कैंसर के फैक्टर्स में आज बताना चाहती हूँ कि लंग कैंसर के फैक्टर्स हमारे हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी आ सकता है। दूसरा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी हो सकता है। अभी लाइफस्टाइल फैक्टर्स में जो भी पेशेंट्स स्मोकिंग करते हैं या सेकेंड स्मोकिंग जो दूसरे से लेके वो करते हैं, सेकेंड स्मोकिंग या ई सिगरेट्स जो यूज़ करते हैं, उनमें ये कैंसर रिस्क बहुत होते हैं। तो दूसरा जो है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि जो पोल्यूशन से होता है, जो एयर पोल्यूशन से, जो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी जो एमिशंस थ्रू व्हीकल्स में भी होता है, उससे भी हमारा ये लंग कैंसर डेवलप होने का चांसेस रहता है। और दूसरा जो है एस्बेस्टोस जो हमारे निकलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में थ्रू केमिकल्स के द्वारा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू और पॉलीसाइक्लिक अमाइंस से भी ये निकलता है, तो ये सारे चीज़ डेवलप होने का, लंग कैंसर डेवलप होने में चांसेस है। तो और जो बायो जो एनवायरमेंटल से और जो निकलता है धुआं से, लाइक व्हेनेवर हम जब वुड को बर्न करते हैं या हम क्रॉप को जब बर्न करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग डंग वगैरह हम जब कुकिंग में यूज़ करते हैं, जो अनप्रोसेस्ड डंग वगैरह हम लोग यूज़ करके उसको कुकिंग के टाइम या किसी और चीज़ में हम लोग अपने एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, बर्न करते हैं, तभी भी इन वजह से भी हमारे वो जो टॉक्सिक पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे शरीर में एंटर होके, फिर वो सारे रीजंस होते हैं हमें लंग कैंसर डेवलप करने में। अभी कमिंग टू द डाइट, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स ने ये प्रूवन किया है कि अगर पेशेंट जब भी वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जब कंज्यूम करते हैं, जैसे कि जब हमारे डाइट से अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग लेते हैं तो वो फ़ायदा होता है। जो प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स हम इंक्लूड करते हैं हमारे डाइट में, तो वो सारे लीड करता है हमारे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को इंक्रीज करता है। तो इसीलिए हमारे डाइट में वी शुड ऑलवेज इंक्लूड यू नो
कार्बोहाइड्रेट्स कम रहना चाहिए. लाइक मोस्ट ऑफ द डाइट यूजुअली हमारे डाइट में जनरल लोगों के लिए हम लोग प्रिफरेबली बोलते हैं कि 50 to 60% ऑफ द कैलोरीज आना चाहिए हमारे डाइट से थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, एंड 20 to 30% शुड बी फ्रॉम प्रोटीन्स एंड रेस्ट शुड बी फ्रॉम फैट्स. लेकिन यहाँ पर सजेस्ट बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स प्रूव करते हैं कि हमारे कार्बोहाइड्रेट शुड नॉट बी मोर देन यू नो 20 to 30 grams तक ही रखना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक. प्रोटीन इनटेक शुड बी लिटिल बिट हायर एंड फैट इनटेक शुड बी मोर. तो फैट इनटेक मोर करने से ये नहीं है कि हमें जो भी फैट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं वो भी वेल बैलेंस में लेना चाहिए. जैसे कि हम लोग सैचुरेटेड फैट्स को और ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा हमें ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए हमारे डाइट में. पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स को इंक्लूड करना चाहिए. तो इसीलिए हमारे डाइट में ज़्यादा से हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या अवोकाडो ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल या फ्लैक्स सीड्स भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जिनमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है और वो हमारे इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है. हाँ, अभी मैं बताऊंगी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स जब भी हम हमारे डाइट में ज़्यादा हो जाता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग हमारे फूड से हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में लेते हैं तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सपेल करते हैं. तो तब जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे हम लोग जब एक्सपेल करते हैं तभी हमारे शरीर में ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होने का चांसेस रहता है. इसीलिए लो कार्बोहाइड्रेट्स डाइट हमें लेना चाहिए. अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे तो वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, होल सीरियल्स हमें इंक्लूड करना चाहिए एंड मिलेट्स वगैरह हमें इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि वो सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. तो वो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है. एंड कमिंग टू द सप्लीमेंट्स नाउ, बेसिकली कैंसर, लंग कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत सारे रिसर्च में बोला गया है कि यू नो दीज सप्लीमेंट्स हैव बीन वर्किंग वेरी गुड एंड दे हैव सीन यू नो द डिक्रीज इन द ट्यूमर साइज. जो भी फॉर्म होते हैं कैंसर में, जो ट्यूमर्स वगैरह फॉर्म होते हैं उनका साइज भी कम हुआ है. जैसे कि सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए. कर्कुमिन बहुत फ़ायदा प्रूवन हो चुका है और उसके साथ साथ ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और दूसरा जो है रेशी मशरूम्स, इन तीनों में बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में प्रूवन हुआ है कि दी सप्लीमेंट्स आर वेरी बेनिफिशियल. अपार्ट फ्रॉम दिस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए. दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट और फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफ फूड्स. लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, लाइक अवोकाडो ऑयल, अवोकाडोज एंड उसके साथ साथ फ्लैक्स सीड्स हो गया या चिया सीड्स, नट्स एंड सीड्स आर ऑल इन हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सो वी शुड मेक श्योर दैट वी ऑल इंक्लूड इन द डाइट इन अ डेली बेसिस. इसके अलावा सेलेनियम रिच फूड्स भी हमें इंक्लूड करना चाहिए विच हैव इवन प्रूवन मोर बेनिफिशियल फॉर लंग कैंसर पेशेंट्स. इसके अलावा जिंक भी फ़ायदा होता है लंग कैंसर पेशेंट्स के लिए. सो लेट और रिसर्चर्स में ये भी प्रूवन हुआ है कि कीटोजेनिक डाइट भी फ़ायदा करता है स्पेशली लंग कैंसर पेशेंट में. ये बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में सजेस्ट किया गया है और ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं. अगर आप लोग कीटोजेनिक डाइट लेना चाहते हो तो यू हैव टू कंसल्ट योर यू नो डाइटिशियन हु हैज स्पेशलाइज्ड इन दिस कीटोजेनिक डाइट एंड हु हैज गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन सजेस्टिंग दिस डाइट टू देयर पेशेंट्स. That's all for today. Thank you.